नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। जिस देश में भगवान के नाम पर राजनीति होती हो, वहीं फिर भला क्रांतिकारियों को राजनीति पार्टियां कैसे छोड़ सकती हैं। अब इसे तो उन क्रांतिकारियों की बदकिस्मती ही कहेंगे कि उनके बलिदान के बाद उनके देश को चलाने वाले इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि उनके बलिदान को भी मजाक बनाकर रख दिया है। मजाक नहीं तो और क्या है ये। एक तरफ तो उनके बलिदान को शहीदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बलिदान के 87 साल बाद भी उन्हें शहीद का दर्जा तक मुनासिब नहीं हुआ। आज बिग न्यूज में बात करेंगे सिर्फ एक सवाल पर, क्या वीर भगत सिंह शहीद हैं या नहीं। इसकी गूंज और होठों पर मुस्कान के साथ जो लोग फांसी पर झूल गए, उन्हें क्या पता था कि एक दिन देश उनकी कुर्बानी का उन्हें कोई सम्मान ही नहीं देगा। जिस मुल्क की खातिर उन्होंने अपनों की चिंता तक नहीं की, क्या पता था कि एक दिन इसी मुल्क के लोग उन्हें पराया कर देंगे। यही वजह है कि आज CIC यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय से कहा है कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने के बारे में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। ये क्या, आज तक जिसके नाम पर न जाने बॉलीवुड में कितनी फिल्में बन गई हैं, जिन्हें रिलीज भी शहीद के नाम से किया गया, उस क्रांतिकारी को अब भी इंतजार है शहीद का दर्जा मिलने का। आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अचानक CIC ने सरकार से ऐसी मांग क्यों की, तो इसके लिए आपको जानना होगा कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे एक जानकारी से खुल गई आजाद भारत की राजनीतिक पार्टी की पोल। अब ये किस्सा शुरू कहां से हुआ, आइए आपको बताते हैं। दरअसल एक RTI में भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने के बारे में जानकारी मांगी गई थी। ये सूचना राष्ट्रपति भवन से मांगी गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन ने गृह मंत्रालय को जानकारी देने के लिए कहा। वहां से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यूलू ने कहा कि सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करती है, पेंशन देती है, लेकिन भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के परिवार को वित्तीय सहायता छोड़िए, उन्हें शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, आचार्यूलू की बातों पर ध्यान दिया जाए तो कई ऐसे सवाल उठते हैं जो ये साफ करते हैं कि सरकार और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने किस तरह नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने दावा किया है कि किसी को भी शहीद के रूप में कोई आधिकारिक मान्यता इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि संविधान की धारा 18 के तहत राज्य को कोई उपाधि देने की अनुमति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आचार्यूलू ने हैरानी जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने सरबजीत सिंह को राष्ट्रीय शहीद घोषित किया है, तो फिर भगत सिंह को क्यों नहीं। और इसीलिए उन्होंने गृह मंत्रालय से मांग की है कि सरकार अब स्पष्टीकरण देकर बताए कि भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को क्या शहीद का दर्जा दिया जा सकता है और नहीं तो क्यों नहीं। वैसे ताज्जुब की बात है कि जिस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने राहुल गांधी देश हित की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस पार्टी ने देश के महान वीर भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना का हिस्सा रहे लोगों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। नेशन वन से ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी पर झूलने वाले वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान ये देश और उसमें रह रहे लोग भुला चुके हैं। आखिर क्यों जिन्हें गुजरे 87 साल हो गए हैं, जिनकी मौत ने देश में आजादी की अलख जला दी थी, उन्हें आजाद देश में इस तरह भुला दिया गया। क्या वो किसी सम्मान के अधिकार नहीं, क्या उनका बलिदान किसी शहीद से कम था। तो फिर क्यों आजादी के 71 साल बाद भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जा सकता है और नहीं तो क्यों नहीं। आज मेरे साथ बिग न्यूज़ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।